हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल एक बार कंफर्म कर लेना वि स्टार्ट इन अ मिनट लेट ऑल पीपल आल्सो जॉइन इन ठीक है सो मीनवाइल पीपीटी और जो क्रक्स है लेक्चर का इट मस्ट हैव बीन अपलोडेड ऑन द चैनल बाय नाउ तो एक बार चेक कर लेना अपलोड हो चुका होगा नहीं हुआ तो पाँच दस मिनट में अपलोड हो जाएगा तो एक बार चेक कर लेना ठीक है लेट ऑल पीपल ऑल्सो ज्वाइन इन तब तक अगर कोई आपके डाउट रहेंगे तो लेट मी नो योर डाउट ठीक है मीन तो गुड इवनिंग टू यू ऑल ठीक है सो आई होप ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो गुड ठीक है यस ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द डाउट क्लियरेंस अगर कोई डाउट रहेगा आपका तो यू कैन आस्क मी ठीक है चलो गाइज गुड कोई डाउट टेम्पल वाला देख लिया चलो बढ़िया है टेम्पल में अगर कोई डाउट रहेगा तो वो भी पूछ सकते हो ठीक है यस सो एनी थिंग टिल गाइज ओके कोई डाउट रहेगा तो You ask me. वैसे तो आज वाला लेक्चर जो है दैट इज स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन द दस्ट काफी छोटा है ज्यादा कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश सॉरी नॉट उत्तर प्रदेश बेसिकली ओरिसा एंडर आफ्टर बंगाल में स्टेट फॉर्मेशन के जो हम लोगों को अर्लीस्ट लेवल पे एविडेंस मिले हैं उसके ऊपर सर्टन फैक्चुअल डाटा दिया है एनसीआर ने उतना ही देखना है ज्यादा इन डिटेल करने का कोई सेंस नहीं है मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ यूपीएससी सवाल पूछेगी भी बट एक दो इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है निधनपुर इंस्क्रिप्शन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन डाटा तो के लिए उतना देखना पड़ेगा हमको ठीक है तो वो देख लेंगे बट अगर कोई डाउट रहेगा ओके तो जल्दी जल्दी टाइप इट आउट ठीक है यस दोनों रीड करने बिकॉज मैंने आपको पहले भी इसका रैशनैलिटी समझाया था कि जो पीपीटी होता है पीडीएफ उसमें फर्क क्या है उतना ही उसमें मिलेगा

चलो अच्छी बात है ओके सो इफ योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज हॉलमार्क ओके सिंपल मंडप साउथ में उतने डेवलप्ड नहीं होते नगरा स्टाइल जैसे नहीं साउथ में भी अच्छे खासे डेवलप्ड होते हैं बट साउथ में टेम्पल प्रिमाइसिस बड़ा होता है तो मंडप जो है वो आपको यूजली टेम्पल के बाहर भी आपको अलग अलग किस्म के मंडप मिलेंगे नगरा स्टाइल में जो आपने देखा होगा कि मंडप जो टेम्पल को लग के ही होता है हमेशा राइट right? साउथ में ऐसा नेसेसरी नहीं है विथ इन टेम्पल प्रिमाइसेस आप कहीं पे भी मंडप लगा सकते हो जैसे कल्याण मंडप का इमेज आपको याद रहेगा जो विजयनगर का एडिशन था तो टेम्पल प्रिमाइसिस में होता था कभी भी टेम्पल को लग के नहीं होता था थोड़ा बादूर के एरिया में होता था गॉटेड तो साउथ में भी अच्छे खासे मंडप डेवलप किए थे इन्होंने बट वो बेसिकली टेम्पल प्रिमाइसिस बड़ा था इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस ऑफ द टेम्पल में यूजली लगते थे ओके यस आई होप इट इज क्लियर ठीक है यस yes. सो so, ओके आई होप इट इज क्लियर एनीथिंग कोई और डाउट रहेगा तो जल्दी जल्दी टाइप इट आउट बाय द वे गुड इवनिंग टू यू ऑल ठीक है कोई भी डाउट रहेगा नो डाउट सो शॉल वी मूव फॉरवर्ड देन ठीक है अगर कोई डाउट रहेगा तो जस्ट कीप ऑन टाइपिंग विल मूव फॉरवर्ड ठीक है तो लेट्स गो वन बाय वन ओके ये अभी इसके बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनसीआर का सीरीज है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसका ओवरव्यू भी दिया था सो दैट सेल इज स्टिल गोइंग ऑन ओके सो दैट्स सर मैंने ये वाला अभी भी रखा है तो जस्ट फॉर वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज ओके हंड्रेड प्लस लेक्चर है ओके okay, आपको सारा का सारा एन का जो डाटा है वो क्रक्स मटेरियल में अवेलेबल हो जाएगा और मैंने आपको बताया भी था कि जब आप एन करोगे योर कंसेप्चुअल क्लियरिटी एज वेल एज फैक्चुअल डाटा जो है दोनों कंसोलिडेट हो जाते हैं तो यू शॉल बाय दिस कोर्स नॉट फॉर कोर्स इन इट सेल्फ बट इसको आपको खरीदना क्यों है वाई यू शॉल बी बाइंग इट बिकॉज अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट वीक है

ओके okay, आप पर्पज समझिए मंडप की होते हैं मंडप होते हैं जो दर्शक आते हैं भाविक आते जो है तो उनके रुकने के लिए मंडप बनाया जाता है तो उसमें आपको अर्ध मंडप फिर महामंडप मंडप ये सारी चीजें मिल जाएंगी एंड जैसे ही मंडप खत्म होगा फिर अंतराल आएगा अंतराल खत्म होने के बाद आपका सैक्टम सेंटोरम आएगा गॉट इट तो मंडप एंड अंतराल बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट ओके या सो चलो विल नाउ मूव टू द साइंस ऑफ द सिविलाइजेशन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री तो बेसिकली एरिया ओवर हियर इज बंगाल

ट पर्टिकुलर लैंड आपको सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए एंड वहां पर उनको आपको आर्यन फोल्ड में लेके आना है इसको आप बोलोगे पीजेंटाइजेशन ऑफ द ट्राइब तो दिस वॉज दीजेंटाइजेशन ऑफ ट्राइब सो दिस वॉज द

देख चुके हैं एंड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वहां पे आर्यन रिलीजन भी स्प्रेड हो जाएगा एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा वहाँ पे तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी हो जाएगी इसमें राजा को क्या फायदा हुआ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है तो ऑब्वियसली सरप्लस ऑफ द प्रोड्यूस विल बी देयर एंड वी हैव सीन दिस साइकिल दैट इफ यू आर हैविंग सरप्लस ऑफ प्रोड्यूस देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ऑन द अदर एंड व्हाट इज ब्राह्मणा गेटिंग ओवर हियर ब्राह्मणा जो है ओके ऑब्वियसली दे आर गेटिंग रिसोर्सेज एट देयर हैंड ये सारा लैंड ब्राह्मणा डेवलप कर रहे सो दे विल हैव अ से इन द रिसोर्सेज एंड ऑन द अदर एंड उनका जो प्राइमरी वर्क है दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है दिस पर्टिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ द्रांड हमने पहले ही देखा था सातवा टाइम पे डेवलप्ट होना चालू हुई थी गुप्ता टाइम पे दिस पर्टिकुलर लैंड ग्रांट हैज बीन बेसिकली एक्सटेंडेड नॉट ओनली टू द ब्राह्मणस बट आल्सो टू द क्षत्रियस तो वी हैव सीन द द्रहण एंड मोक्षा वाला कांसेप्ट ऑफ द समुद्र जहां पे इज डिफीटिंग अ पर्टिकुलर किंग एंड नॉट किलिंग दैट किंग बट गिंग दैट किंग हिज ओन राइट बैक कि भाई आपका जो लैंड है वो आप ही रखो बट नाउ यू विल रूल एज अ फ्यूडल लॉर्ड ऑफ माइन मतलब समुद्र गुप्ता के फ्यूडल लॉर्ड बन के अभी आप रह जाओगे तो दिस पर्टिकुलर लैंड पीरियड में इन दिस पर्टिकुलर लैंड देंगाल एंडर आफ्टर उफ्टर आसाम ये जो ईस्टर्न कंट्री है ईस्टर्न इंडिया जो है यहाँ पे भी लैंड ग्रांड देना चालू कर दिया बिकॉज देयर कोर एरिया जो है गुप्ता का वो था एंशियंट प्राचीन देखा था इट इज बेसिकली मगध वाला एरिया एंड मगध का जो कोर एरिया है अगर आप जाओगे तो मध्य प्रदेश साइड एंड यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ओरिसा एंडर बेंगाल एंडर आसाम वाला साइड सो दैंड ग्रांट इन दिस एरिया गॉड प्रोलिफरेटेड इज अ ट्राइबल एरिया नाउ

गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग तो ये जो उत्तर उत्कल है दैट इज बेसिकली उत्तर कलिंगा तो उत्तर कलिंगा इज क्वाइट सिग्निफिकेंट इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज सिफिक को अगर साउथन किंगडम से ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली उनके पास दो रास्ते थे एक तो गो एज फार एज मध्य प्रदेश वहां पे उज्जैन में जाओ उज्जैन से नीचे भरूच में उतरो भरूच से फिर नीचे अगर आप आ सकते हो तो फिर यू कैन डायरेक्टली कम टू द दैठन दैट इज महाराष्ट्र तो ये काफी लंबा वाला रास्ता पड़ जाएगा आपके लिए सो so, दूसरा इजी वे है कि आप पाटलिपुत्र से सीधा नीचे की तरफ उतरो दैट इज नॉर्थन ओरिसा तो नॉर्थन ओरिसा में अगर आप उतर गए तो ऑब्वियसली ये वाला रास्ता जो है डायरेक्टली आपको साउथ का एक्सेस दे देता है एंड दैट उत्कल वाला जो एरिया है ये हमेशा से इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द दाइम इट सेल्फ ये ओरिसा जो है ओके okay, इसका जो अर्लीस्ट वाला जो रेफरेंस है हम लोगों को हर्ष सॉरी अशोका के टाइम पे मिलता है हमने अशोका का वॉरफेयर भी देखा था कलिंगा वॉरफेयर ऑफ दी अशोका हमने ये भी देखा था कि इट ओनली वॉरफेयर जो अशोका ने उसके लाइफ में खेला एंड हमने ये भी देखा था कि वंस कलिंगा वॉज तो ने अपनी पीसफुल पॉलिसी दैट इज पॉलिसी ऑफ धम्मा जो है वो क्यों लाई थी राइट right? तो ये सारी चीजें हमने देख ली सो आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका हम लोग को यहाँ पे एक रीजनल डायनेस्टी वापस से मिलती है दैट इज खारावेला किंग तो ये जो खारावेला किंग ही अ फॉलोअर ऑफ द जैनिज्म एंड ये जो है उसने अपने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में अपने मिलिट्री एक्सप्लोइ के बारे में लिख के रखा है सो ही हैज़ गिवन अस द इंफॉर्मेशन कि समवेयर अराउंड सेंचुरी बीसी उसने मगध के ऊपर अटैक भी किया है एंड मगध से उसने एक जीना का इमेज जो है वापस से कलिंगा में लाने का काम किया है तो so बस इतना ही इंफॉर्मेशन याद रखना है फॉर द प्रल पर्सपेक्टिव सवाल आ सकता है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंग देन आपको पता होना चाहिए कि ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो वेला किंग का है एंड आपको यहाँ पे एक भी थोड़ी एक चीज जो है ओके okay, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ये उदयगिरी खंडागिरी केव्स में है उदयगिरी खंडागिरी केव इज इन उड़ीसा और हमने देखा था वेन वी वर डूइंग दी गुप्ता वाला स्लाइड uh, uh, तो गुप्ता जब हमने देखा था तो देर इज वन उदयगिरी केव इन मध्य प्रदेश ये उदयगिरी केव इन मध्य प्रदेश है वो गुप्ता का है उदयगिरी खंडागिरी केव विच इज फेमस फॉर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज ऑफ बेसिकली कलिंगा, Got it? So this is something that you must remember. जो आपको थोड़ा सा factual डाटा पता होना चाहिए. Thereafter, by the fifth century AD, मतलब post गुप्ता पीरियड में अभी तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हम लोगों को मिली है सो व्हाट इज द डेवलपमेंट दैट वी आर गेटिंग तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोकल लेवल के जो राजाज हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं मतलब अब हम लोगों को यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फ्यूडलिज्म जो है दैट इज सामंत शाही आप इसको बोल सकते हो तो ये प्रोसेस ऑफ फीडलिज्म है वो काफी वे में डेवलप्ड होती हुई दिखाई दे रही है तो ये वाले लैंड में जो लोकल फीडल लॉर्ड है ओके okay, उनके नाम हम लोगों को मिले हैं अभक्ता वैशिष्ट नाला एंड मनाज तो फ्यूडर लॉर्ड मतलब कौन से लोग तो ये ऐसे लोग हैं जिनको ये लैंड ग्रांट मिला है एंड लैंड ग्रांट के साथ साथ इन लोगों को ये वाले जो लैंड है वो हेरिडिटरी बेसिस पे भी मिले हैं

तो आप उनको उनके पोजीशन से निकाल नहीं पाओगे बिकॉज दे आर नाउ ओनर ऑफ दैट पीस ऑफ लैंड एंड फिर इन दैट कैपेसिटी वो बन जाते फ्यूडल लॉर्ड और ये जो फ्यूडल लॉर्ड है ऐसे वाले फ्यूडल लॉर्ड हम लोगों को ओरिसा में अब दिखना चालू हुआ है कलिंगा में फ्रॉम दी फिफ्थ सेंचुरी ऑनवर्ड एंड फिर ये लोकल फ्यूडल लॉर्ड ने यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इस्टेब्लिश करके रखी है एंड फिर लोकल लेवल पे आर्ट एंड कल्चर भी पैट्रोनाइज किया है जिसमें संस्कृतिक लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे इन्होंने प्रोपोगेट की है

रिलीजियस ऑर्डर भी है तो ये सारे जो कॉम्पोन है तो इतना ही याद रखना यूपीएससी मेरे ख्याल से अगर सवाल पूछेगी तो सिर्फ इसी के ऊपर तो याद याद लाइन याद रख लेना की हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या है ओके देर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन है बेंगाल ना एज फार एज बेंगाल इज कंसर्न क्विट सिग्निफिकेंट प्रोविंस राइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी

टाइम पे ये वाला ट्राई बहुत ही कम किंग्स ने किया था ओके okay? जो जो इवन किंग अपने यहां पे रहते थे दैट इज में में रहते थे इवन वो वाले वाले किंग भी ये वाले एरिया में जाने से परहेज करते थे जाना अवॉइड करते थे सो बिकॉज ऑफ द नेचुरल फ्रंटियर इन बिटवीन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है जो बंगाल वाला जो लैंड है इसमें हिस्टोरिकली एक्मलेटेड वेल्थ थी और जब ये पूरा का पूरा लैंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पड़ गया

पुनरवर्धना भुक्ति करके भी बुलाया जाता था भुक्ति जो है वो मौर्य पीरियड ऑफ टाइम में आफ्टर पोस्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रोविंशियल लेवल का एक पर्टिकुलर यूनिट हुआ करता था तो पुनर्वर्धना भुक्ति जो है ये हम लोगों को मिली है इंस्क्रिप्शन में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द महाजनपदा बट एग्जैक्टली exactly इसके रूलर कौन थे ये हम लोगों को नहीं पता तो पुनर्वर्धना भुक्ति जो है दिस एरिया हैज बीन आइडेंटिफाइड विद द बेंगाल बट इसके अलावा हम लोगों को फिर ये वाले एरिया के बारे में एसट ज्यादा नहीं पता द अर्लियस्ट स्टेट फॉर्मेशन के जो एविडेंस हम लोगों को मिले हैं वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता मिले हैं तो गुप्ता के टाइम पे हम लोगों को यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे समताता रूलर थे तो समताता डायनेस्टी वॉज देयर एंड ये समताता रूलर जो है उन्होंने स्विटरलैंड की एक्सेप्ट कर ली थी समुद्र की तो समुद्र के नीचे रह के ये काम करते थे मिस देवियर द फ्यूडल लॉर्ड So, मेशन नहीं मिलती है कोई भी बड़ा जो मौर्यन किंग होगा या फिर बिफोर मौर्यन जो महाजनपदा के किंग थे वो यूजली ये वाले एरिया में नहीं जाते थे बिकॉज ऑफ दी गंगा एंड आफ्टर फिर ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्रा का डोब वहां पर जाके अटैक करना

गौतम बुद्धा जो है उन्होंने कैवल्य दैट इज बेसिकली सुप्रीम नॉलेज है वो अटेन किया था तो शशांक ऑफ गौड़ा इसका नाम हमें मिलता है तो गौड़ा रूलर्स देयर समवेयर अराउंड इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिली है एंड ये शशांक ऑफ ऑफ गौड़ा जो है ही कल वाले लेक्चर में हर्षवर्धन देखेंगे तो उस टाइम पे इसके बारे में बात करेंगे द एनिमोसिटी बिटवीन हर्षवर्धन एंड शशांक ऑफ गौड़ा बट बंगाल में शशांक का रूल है गौड़ा रूलर्स आर रूलरस ये इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है एंड आफ्टर फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड इज देर एज फार एज पोस्ट गुप्ता मतलब नॉट पोस्ट गुप्ता पोस्ट गौड़ा जो पीरियड है उसमें अगेन हम लोगों को अब लोकल लेवल पे बहुत सारे अलग अलग जो रूलर है उनके नाम मिले हैं बट यहाँ पे अगेन इम्पॉर्टेंट यही है शशांक ऑफ गौड़ा और उसके बारे में जो दो फैक्चुअल डाटा है दैट इज बेसिकली वो स्वर्ण अनिमिता हर्षवर्धन का

कौन से पर्टिकुलर प्रोविंस से या फिर एरिया से मिलते जुलते हैं या फिर बिलोंग करते हैं तो इसके लिए वर्डिंग थोड़ा सा याद रखना है एंड एज फार अल्टीमेटली लैंड ग्रां जो है वो बेसिकली है आपका बेस एक्सपेंशन का ये पर्टिकुलर लैंड में गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड जो स्टेट फॉर्मेशन होना चालू हुआ उसका रीजन ही वही है कि गुप्ता रूलर ने क्षत्रिय एंड ब्राह्मणा को पकड़ा अंडर आफ्टर उनको ये आउटस्कट वाले एरिया में भेजना चालू कर दिया उनको लैंड ग्रांड दे के एंड फिर लैंड ग्रांट जब मिलने लग गए तो लोग वहाँ पर जाके रहने लग गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे स्टेट फॉर्मेशन हुआ तो दैट सर वी कैन सी दैट कि ये वाला जो एरिया है पहले समताता रूलर फिर गौड़ा रूलर एंड फिर मल्टीपल लोकल रूलर जो है बंगाल में डेवलप्ट होना चालू हो गए तो ओरिसा एज वेल एज बंगल ओके हार्डली बस ये स्लाइड में जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी करना उससे बाहर मुझे नहीं लगता यूपीएससी कुछ पूछेगा अगर उन्होंने पूछ लिया तो एंड फिर लास्ट वन दैट इज कामरूप आसाम ओके okay, इसका जो ओल्डर नेम है वो कामरूप भी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन हम लोगों को इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है हाँ, okay, so one तो so एक्चुअल में ये जो पर्टिकुलर एरिया है दैट इज आसाम और कामरूप यू कैन कंसिडर जो एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र बसा हुआ पूरा का पूरा टेरिटरी है तो ये वाला जो है वो सेवन सेंचुरी ऑनवर्ड हम लोगों को इसके एविडेंसेस मिले हैं कि सेवन सेंचुरी के अराउंड कभी तो इसका डेवलपमेंट हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया का नाम इंडिया के स्क्रिप्चर में हर्षवर्धन के टाइम पे आना चालू हुआ जब हर्षवर्धन ने अपने इंस्क्रिप्शन में यहाँ के एक राजा का नाम लिख के रखा है दैट इज बेसिकली भास्कर वर्मन तो भास्कर वर्मन जो है ही इज द अर्लिएस्ट रूलर ऑफ द कामरूपा एंड फिर यहाँ के जो राजाज है वो अपने टाइटल में वर्मन लगाते थे तो वर्मन लगाते थे तो ऑब्वियसली वर्मन ये निकल टाइटल है वर्मन का अल्टीमेटली आज वर्मा बन चुका है नॉर्थ में राइट तो ये ब्राह्म्य टाइटल है तो ब्राह्म्य टाइटल है मतलब जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले बात की थी पीजेंटाइजेशन ऑफ द ट्राइब लोकल नॉन आर्यन पॉपुलेशन को आपको आर्यन में कन्वर्ट करना है लोअर वर्ण देना है एंड देर आफ्टर लोअर जाति असाइन करनी है तो दिस इज समथिंग ये जो प्रोसेस जो है अब हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दी है जहाँ पे अब लोकल लेवल पे जो ट्राइब्स थे वो ट्राइब्स को ब्राह्मीनिकल फोल्ड में लाके वहाँ पे ब्राह्मीनिकल रिलीजियस ऑर्डर एंड किंगडम एस्टेब्लिश करने का काम अब पूरा हो चुका है गुप्ताज ने ये काम कभी तो चालू करवाया था बट अभी बाई द टाइम ऑफ द सेवन सेंचुरी ये चीज काफी एविडेंट है बिकॉज अब ये वाले एरिया में भी हम लोगों को संस्कृत लैंग्वेज के इंस्टेंसेस मिले हैं यहाँ के जो रूलर है वो वर्मन टाइटल कर रहे हैं आफ्टर फिर यहां के जो रूलर है उन लोगों ने भी लैंड ग्रांट दिए हैं तो जो हर्षवर्धना का एल है ओके okay, या फिर दोस्त है वो भास्कर वर्मन भास्कर वर्मन जो उसने एज वेल एज बुद्धिज्म दोनों को पैट्रोनाइजेशन किया था और इसका भी एक क्वाइट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है That is तो ये बंगाल वाला है ये निधनपुर इंस्क्रिप्शन okay, है लैंड ग्रांट इट सेल्फ की भाई मैं लैंड ग्रांट दे रहा हूँ तो किसको दे रहा हूँ तो ब्राह्मणास को दे रहा हूँ और लैंड ग्रांट देना मतलब एक पर्टिकुलर लैंड जो है उसके रेवेन्यू राइट एंडर आफ्टर ओनरशिप राइट किंग डिटरमाइन करेगा कि इसमें से कौन सा राइट उसको देना है दिस इज समथिंग जो हम लोगों को यहाँ पे भी मिला है तो कामरूप दैट इज आसाम में भी सेवन सेंचुरी ऑनवर्ड अभी हम लोगों को स्टेट फॉर्मेशन के जो एविडेंसेस जो है वो मिलने चालू हो गए हैं एंड ए टाइगे इतनी ही इंफॉर्मेशन है एज फार एज एनसीआर चैप्टर इज कंसर्न तो इनका वही कहना है कि अल्टीमेटली जो लैंड ग्रांट जो है काफी इंपॉर्टेंट है ट्राइब एंड आफ्टर एनहेंसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर ये ट्विन पर्पज की वजह से ये लैंड ग्रांट जो है सातवानाज ने देना चालू किया था अल्टीमेटली गुप्ताज ने इसको अडॉप्ट किया एंड गुप्ताज ने फिर ईस्टर्न साइड में जो है लैंड ग्रांड दे के स्टेट फॉर्मेशन का काम करवाया जिसमें सबसे पहले कलिंगा जो है एंशियट टाइम में तो यहाँ पे कोई ना कोई तो किंगडम था बट पोस्ट गुप्ता पीरियड में प्रॉपर ब्राह्मणिकल ऑर्डर एस्टेब्लिश हो चुका है वैसे ही इफ यू कंसिडर देन योर बेंगाल तो बंगाल भी एंशियंट टाइम से इसका नाम हम लोगों को मिला है बट अगेन पोस्ट गुप्ता पीरियड या फिर गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड अब यहाँ पे जो है हम लोगों को ब्राह्म्य निकल डायनेस्टी के एविडेंसेस जो है वो मिलने लग गए हैं एंड अगेन वापस से कामरूप तो कामरूप में भी हम लोगों को वही इंस्टेंस मिले हैं कि पहले तो इसका नाम नहीं था बट सेवेंथ सेंचुरी ऑनवर्ड इनका नाम मिला है बट अगेन यहाँ पे भी हम लोगों को ब्राह्म्य निकल डायनेस्टी के जो एविडेंसेस है वो मिलने लग गए थे तो इफ यू रिमेंबर हमने एक प्रोसेस देखा था सेंचुरी बीसी में जब महाजनपदा चालू हुआ था तो महाजनपदा ने एक वैदिक रिलीजन को एक फैटल ब्लो दिया था एक नया रिलीजन लेके आए एक नहीं तो बेसिकली सेक्ट 62 नए रिलीजन लेके आए थे जिसमें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है वो प्रोमिनेंट बन गया एंड बुद्धिज्म जैनिज्म जब प्रोमिनेंट बना तो इट वॉज लाइक अ डेथ ब्लो फॉर द वैदिक रिलीजन तो वैदिक रिलीजन और ब्राह्मणिकल रिलीजन को एक काफी तगड़ा झटका बैठा था और ये झटका चलता रहा अप टू मौर्यन डायनेस्टी तक फिर हमने देखा था कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद पुष्यमित्र शुंगा जो है उसने वैदिक रिलीजन को रिवाइव कर दिया एंड वैदिक रिलीजन को रिवाइव करने के बाद अब ये जो पूरा का पूरा जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है अब बहुत ही एग्रेसिव या फिर असर्टिव वे में इंडिया में वापस आ रहा था इसका मेन रीजन भी है मेन रीजन क्या है कि जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रेडिंग रिलीजन बन के रह गए

ब्राह्मण रखने ही पड़ेंगे तो राजा का आपका एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट बन गया एंड जब एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट बन गया तो ब्राह्मणास ने लैंड ग्रांट मांगी जो उनको दे दी गई तो ब्राह्मणास के पास अभी लैंड भी आया उनका कोर्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस भी है और जो उनको लैंड मिलता था ये लैंड पे जाते भी थे वहाँ पे एग्रीकल्चर करते भी थे और वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है उनको आर्यन सोसाइटी में लाने का काम भी करते थे ये काम बुद्धिज्म ने छोड़ दिया था जैनिज्म ने छोड़ दिया था बिकॉज यहाँ पे इनको ट्रेडिंग से पैसा आ रहा था उसी के ऊपर लग्जोरियस लाइफ जीना इन्होंने चालू कर दिया था तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुद्धिज्म जैनिज्म डिक्लाइन हुआ ब्राह्म्य ऑर्डर है बिकॉज ऑफ द कोर्ट प्रेजेंस जो उनकी नॉलेज मोनोपोली थी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंडर आफ्टर ऑन दर ग्राउंड वर्क जो उनको लैंड ग्रांट मिले जिसमें उन्होंने पीजेंटाइजेशन ऑफ द ट्राइब एंड एग्रीकल्चरल सरप्लस लिया जिसके वजह से इंडिया में अलग 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 जगह पे अब सिविलाइजेशन फ्लरिश होने लग गई हर एक लेवल पे या फिर हर एक एरिया में ब्राह्मणिकल रिलीजन का इन्फ्लुएंस जो है वो अब दिखने लग गया और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये और एक्सटेंचुएट हुई इन पोस्ट गुप्ता पीरियड में चालू की है तो जब अर्ली वेल इंडिया में जाएंगे तो जो है कि एग्जैक्टली फ्यूडालिज्म है क्या धीरे धीरे ब्राह्मणास को आपने जो लैंड ग्रांट दिए थे वो अपने क्षत्रियो को भी देने चालू कर दिए तो एक पर्टिकुलर लैंड में फिर क्षत्रिय जाके रहने लग गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वहां का राजा बन गया उसके हाथ के नीचे फिर ब्राह्मण आए उनको उसने फर्दर लैंड ग्रांट देना चालू कर दिया तो ये बेसिकली कैस्केडिंग इफेक्ट वाला प्रोसेस जो है में सेट हुआ एंड अल्टीमेटली इसी के वजह से वी कैन क्लियरली सी अब इंडिया में जो रीजनल सिविलाइजेशन जो है या फिर रीजनल किंगडम अब धी, धीरे स्प्रेड होने चालू हो गए तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द ईस्टर्न किंगडम तो आई होप इट इज क्लियर ओके अगेन पीपीटी एंड कंटेंट जो है वो आपको इस ग्रुप पे मिल जाएगा And वो NCRT वाला थोड़ा सा ध्यान रखना ओके वेरी गुड कोर्स एस एन लाइव कोड है और उसको थोड़ा सा अगर लेना है तो ले लो यार डेढ़ हजार रुपए का है बढ़िया वाला हो जाएगा ठीक है तो आई होप इट इज क्लियर एवरीथिंग ओके सो अगर आपके अभी कोई डाउट रहेंगे गाइज देन लेट मी नो ओके तो एनीथिंग टियर सो फार गाइज ओके अगर कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो ओके देखो पहले तो सेना पाला डायनेस्टी पाला डायनेस्टी के बाद सेना डायनेस्टी ये एक जमाने में फ्यूडेटरीज हुआ करते थे राइट सो so, जो पाला का जो फाउंडर है गोपाला ओके ही ही टू टू यूज बेसिकली बी द फ्यूडेटरी ऑफ द लोकल किंगडम आफ्टर उसने अपना डायनेस्टी निकाला और ये जो सेनाज जो है वो पालास की फ्यूडेटरी थे जिन्होंने अल्टीमेटली फिर बेसिकली मैट्रीमोनियल अलायंस की पालास के साथ आफ्टर दे स्टार्टेड टू रूल दिस पर्टिकुलर एरिया तो हम अर्ली मिडेवल में जाएंगे तब पढ़ेंगे ओके okay? अभी तक तो लेट लेटेंशन ही चल रहा है ठीक है अहोम डायनेस्टी यार तो um, बहुत दूर है सिक्सटीन 17 सेंचुरी वाली डायनेस्टी है राइट अभी तक तो, तो हम सिक्स सेवन सेंचुरी में ही है तो अहोम डायनेस्टी तो मीडियावल इंडिया में आएगी बहुत लेट है ठीक है यस हु अगेंस्ट औरंगज़ेब के अगेंस्ट तो ऑब्वियसली यार अहोम डायनेस्टी इज देयर राइट सिंपल कलिंगा वॉर और मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ राइट कि मतलब औरंगजेब ट्राइड ही डेयर टू तो अटैक दिस पर्टिकुलर एरिया बट ये एरिया किसी के हाथ में नहीं आया था ओके थामायून था औरंगजेब के पहले जिसने ये एडवेंचर करना चालू किया उसने तो पूरी की पूरी मुगल सल्तनत खो दी ये एरिया कैप्चर करने के चक्कर में ये जो शेर शाह है वो बंगाल और आसाम ये वाला जो एरिया वही का तो रूलर था इनिशियल पीरियड पे तो उसको हराने के लिए हुमायूं एरिया में घुस गया एंड अल्टीमेटली पूरी मुगल सल्तनत हार चुका था राइट उसके पहले भी हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है दैट इज बंगाल वाला जो एरिया एक जमाने में अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में था यही के रिसोर्सेस यूज करके अल्टीमेटली उसने अपना जो ये है दैट इज अंकल है जलालुद्दीन खिलजी उसको मर्डर कर दिया अंडर आफ्टर दिल्ली सल्तनत हथियली तो मीडियावल्स इंडिया में जाएंगे तब देखेंगे कि बंगाल एंडर आफ्टर आसामी वाला जो एरिया है इतना डिफिकल्ट क्यों है कि दिल्ली में कितना भी बड़ा बादशाह बैठा हो अल्टीमेटली वो यहाँ पे आके हार ही जाता था इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लोकल लेवल का जियोग्राफी दिल्ली में बैठे हुए बंदे को नहीं पता जियोग्रफी क्या है क्या नहीं है लोकल लोगों को सब पता रहता है राइट दिनों की फ्लड कब आने वाला है फ्लड रिसाइड कब होगा तो ये जैसे ही दिल्ली की आर्मी यहाँ पे आ जाती थी आसाम वाले डर आफ्टर फिर बंगाल वाले एरिया में तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूज कर लेते थे और कहीं ना कहीं तो फ्लड में फंसा देते थे इनको फिर जैसे ही ये फ्लड में फंस गए तो इनके ऊपर काउंटर अटैक होता था तो उसके बारे में बात करेंगे जब इंडिया में जाएंगे तब ठीक है? या। ठीक है है या नो नो हर्षवर्धन वॉज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ अ होम ये पता नहीं आपने कहा से सुन लिया वर्धन डायनेस्टी थानेसार की है हरियाणा की डायनेस्टी है इनकी अर्लियर कैपिटल जो है वो बेसिकली थानेसार है थानेसार को ही आज आप पानीपत भी कंसिडर कर सकते हो उन्होंने बाद में अपनी डायनेस्टी अहो बेसिकली कनौज कनौज में शिफ्ट की एंड के बाद वो उस पर्टिकुलर एरिया में कभी गए ही नहीं ओके okay, भास्कर वर्मन वॉज द लोकल रूलर ऑफ द कामरूपा एट दैट टाइम जो सारा का सारा एरिया मैनेज करता था ओके यस ओके शीर शाह टुकिट हाँ बट yes, yes, वही है ना कि अल्टीमेटली शेर शाह भी तो बंगाल असम इसी एरिया पे राज कर रहा था और उसके ऊपर भी देखेंगे जब बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ बिलग्राम देखेंगे कैसे पहले शेर सूर जो है जैसे ही अटैक होने लग गया वो असम की तरफ भाग गया एंड ही नहीं की हुमायन उसके पीछे आएगा एंड मानसून आने वाला था जैसे मानसून आएगा फ्लड होगा एंड हुन उसमें फंसेगा हुआ वही अल्टीमेटली हुमायन को पता ही नहीं है लोकल टोपोग्राफी जोग्राफी के बारे में और वो फ्लड में फंस गया जैसे ही फ्लड में फंस गया तो ऑब्वियसली सब गड़बड़ होगी और तभी काउंटर अटैक हुआ एम्बुश हुआ फिर हुमायूं को उल्टा भागना पड़ा एंड ये जब भाग रहा था तो अब शेरशाह सूरी ने पीछा किया एंड आफ्टर हरा दिया तो दैट इज समथिंग फॉर द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ठीक है या ओके ब्रिटिश ग्रोथ देखेंगे जब हम लोग मॉडर्न इंडिया में जाएंगे तब अभी नहीं ठीक है

देखो उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग वर्जन है कि एक्सैक्टली exactly यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी बट बेसिकली कौशाला के ही ओके फैमिली रिलेटिव होंगे तो कौशालन डायनेस्टी के ही एविडेंसेस हम लोगों को कलिंगा के साइड में मिले हैं इट तो एग्जैक्ट कौन सी डायनेस्टी इसके ऊपर बिल्कुल भी अशोका ने कोई पर्दा नहीं डाला कि वहां पे कौन था कौन नहीं था तो सारी माइथोलॉजिक स्टोरी जो है वही है तो बेसिकली वी डू नॉट नो बट बेसिकली कौशाला डायनेस्टी से रिलेटेड जो लोग है वो वही लोग जो है यहाँ पे रह के राज करते थे ऐसा एक बेसिकली यू कैन से दैट एक्सेप्टेड फैक्ट है जो हिस्टोरियंस में चलता है ओके okay? यार ये त्रीरथा पंचरथा रथा एंड सप्तरथा क्यों करना है तुम लोगों को मत करो ना इसको छोड़ दो नहीं आएगा इसमें से कुछ ओके okay? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो कैसे आ रहे हैं मैंने उसी के हिसाब से वो टेम्पल आर्किटेक्चर डिजाइन किया था मैं प्यरली तो नहीं करवाऊंगा आपको मैंने आपको पहले भी बोला था वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज इम्पॉर्टेंट आई नो वॉट इज इम्पोर्टेंट मैं उसी के ऊपर रहूंगा उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा एंड इवन आई सजेस्ट यू ऑल्सो की मत जाना होकर के कोई फायदा नहीं होने वाला उसको ठीक है यस वो बाद में देखेंगे मीडिया में जाएंगे देखेंगे ओके शेर शाह सूर के बारे में ठीक है लाइक नो 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 गुरीला वॉरफेयर ठीक है इट वॉज अ प्योर स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक सिंपल ओके देखेंगे जब जाएंगे मीडियावेल में तब नॉट राइट नाउ ओके okay, अभी के लिए और कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो ओके ठीक है देयर किंग्स यूज्ड टू ग्रांट द लैंड टू ब्राह्मणा टू शेड देयर पावर एंड ग्रेटनेस नो 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 इट वाज अ म्यूचुअल गिव एंड टेक वाला एस्पेक्ट जब राजा राजा बनेगा तो ऑब्वियसली उसको एक लेजिटिमेसी लगेगी राइट right? अभी के टाइम पे लेजिटिमेसी आपको कौन देता है मीडिया देती है राइट देयर आफ्टर फिर बिग बिग स्वेयरिंग इन सेरेमनी आप करोगे देर आफ्टर फिर 40 गाड़ी का कैवल लेके चलोगे तो एक और आपको डेवलप करना पड़ेगा वाओ फैक्टर डेवलप करना पड़ता है जिससे फिर पब्लिक इंस्पायर होती है आपसे या फिर आपके प्रति एक थोड़ा सा लॉयल्टी रखती है कि भाई दिस इज अ ग्रेट लीडर तो वैसे ही पुराने टाइम पे तो गाड़ी थी नहीं पुराने टाइम पे कोई सोशल मीडिया थी नहीं मीडिया था नहीं तो आप कैसे मिलेगी लेजिटिमेसी तो आप यज्ञ करोगे बड़े बड़े सेक्रीफाइस करोगे यज्ञ करोगे ये यज्ञ कौन करेगा फिर ब्राह्मण करेगा राइट सो टू गिव किंग फॉर दी पीपल तो लोगों को अगर राजा को राजा मानना है तो आपको बड़े सेक्रीफाइसेस यज्ञ करने पड़ेंगे तब जाके लोग जो है आपको राजा मानेंगे तो ये ब्राह्मणा करेंगे तो इन रिटर्न ब्राह्मणा को भी आपको कुछ देना पड़ेगा ना क्या दोगे पुराने जमाने में आप कैटल दे सकते थे पुराने जमाने में आप उनको पैसे दे सकते थे बिकॉज कॉइन इकोनॉमी वॉज देयर कैटल पॉपुलेशन वॉज इंपॉर्टेंट बट राइट नाउ दोनों का वैल्यू जो सोसाइटी में डिगर गया था लैंड वॉज बिकमिंग इंपॉर्टेंट सो सिंस लैंड वॉज बिकमिंग इंपॉर्टेंट आपको लैंड ग्रांट देनी पड़ी कॉटेट एंड फिर लैंड ग्रांट आप दोगे तो राजा भी होशियार थे इफ आर गिविंग लैंड ग्रांट कोर एरिया में नहीं देंगे आउटस्कर्ट वाले एरिया में देंगे

या छः टॉपिक जो इसके बचे हुए हैं टूडे वॉज चैप्टर नंबर 22, 21 या 22 ऐसे कुछ था कुछ टोटल 29 चैप्टर्स है तो विल फिनिश इट अप बाय दिस वीकर विल मूव ऑन टू द मीडिया चलो आई होप इट इज क्लियर और कोई डाउट नहीं है गाइस। ठीक है तो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर ठीक है विल मीट अगेन टुमोरो सेवन ठीक है सो आई बी स्टॉपिंग द लेक्चर नाउ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन कल मिलते हैं फिर ओके अगेन एट सेवन ओके थैंक यू सो मच